Hi everyone, this is Neelam and welcome back to my channel, Answer by Neelam Sachan. तो अभी आपने ये क्या देखा, किसी पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, किसी पे नहीं आ रहा, कभी दोनों चीज़ों पे अच्छा आ रहा है. सो बेसिकली हमने किया क्या है, आज हमने एक पेपर के दो पीसेस लिए जिसमें एक पे हमने डाला मैजिक इंग्रेडिएंट और एक पे हमने नहीं डाला. हमने सोचा एक साथ करके दिखा देते हैं और डिफरेंट क्वालिटीज़ भी टेस्ट हो जाएंगी. तो सबसे पहले हमने टेस्ट किया वाटर कलर शीट्स, जिसमें हमारा रिजल्ट आया विद मैजिक इंग्रेडिएंट, यस वो बहुत अच्छा था. विदाउट मैजिक इंग्रेडिएंट बहुत ही थोड़ी जगह पे था, बट बाकी जगह पे फिर से वो ख़राब हो ही गया, जैसे हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट्स में हुआ था. फिर हमने नॉर्मल पेपर जो होता है हमारा प्रिंटर में हम डालते हैं, दैट इज़ A4 वाला जो प्रिंटर पेपर होता है, इट इज़ अबाउट 100 GSM, ये हमने डाला. इफ़ेक्ट दोनों पे ही बहुत अच्छे से विजिबल है, बट समहाउ इस पेपर पे कलर सैचुरेशन उतनी अच्छी नहीं आई. इफ़ेक्ट दोनों पे बहुत अच्छा है, जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं. सो विद मैजिक विदाउट मैजिक इस पेपर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा. एंड सरप्राइजिंगली जब मैंने फ़ोटो पेपर लिया, जिस पे हम फोटो प्रिंट आउट करते हैं, ग्लॉसी पेपर, सो मैंने फ़ोटो पेपर लिया और उस पे भी एक पे मैजिक इंग्रेडिएंट्स डाला और मैजिक इंग्रेडिएंट फेल हो गया, क्योंकि इस पे ऑलरेडी ग्लॉसी था, मैजिक इंग्रेडिएंट डाला एंड उसने कुछ लिया ही नहीं. ख़राब होने के अलावा इसमें कुछ नहीं हुआ. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस पे हमने मैजिक इंग्रेडिएंट नहीं डाला था, ग्लॉसी सरफेस पे ये हमारे एक्रेलिक के साथ में मार्बलिंग बहुत अच्छी आई. सो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं. अब आते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में. ये जो है मार्बलिंग टेक्निक, दिस इज़ वेरी ओल्ड टेक्निक फ्रॉम जापान और इसे वहाँ कहते थे सुमिनागाशी. इफ़ माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ मुझे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बता दीजिएगा कैसे कहते हैं. सुमिनागाशी बहुत पुरानी जापनीज टेक्निक है, जिसमें सुमिनागाशी का लिटरल मीनिंग है इंक फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. ये मैं नहीं कह रही, गूगल ने कहा है, सो मैं आपके लिए सिर्फ रिपीट कर रही हूँ. सो जब हम इंक को पानी पे फ्लोट करके उसको इफ़ेक्ट्स देके मार्बल जो होता है हमारा, जो संगमरमर है, उसके इफ़ेक्ट्स को रेप्लिकेट करने के लिए, जैसे अर्थ में लेयरिंग लेयरिंग होती है, वैसे ही कलर को हम इंक को लेयर लेयर करके उसे पेपर पे जब ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे हम सुमिनागाशी या फिर मार्बलिंग कहते हैं. और सुमिनागाशी वॉज ओरिजिनली डन राइस पेपर, जो वहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ है, उस पर राइस पेपर पर ट्रांसफ़र किया जाता था. अभी भी कुछ लोग करते हैं, बट नाउ अभी बहुत सारी मार्बलिंग इंक्स आ गए और बहुत सारी नई नई टेक्निक हो गई. मैं खुद एक्रेलिक इंक, एल्कोहल इंक और पता नहीं किस किस चीज़ से ट्राई कर रही हूँ. तो जिसके पास जो मटेरियल अवेलेबल है, पुरानी टेक्निक्स जो हैं, एंशियंट चीज़ें हैं और बहुत सारी नई चीज़ों को, अगर हम पुरानी चीज़ों को नई तरीके से लेके आ पाएँ, सो उससे अच्छा तो क्या है हो सकता है. तो ऐसी टेक्निक्स आप ट्राई करते रहिए. और मैजिक इंग्रेडिएंट के बारे में कुछ सोचा, पिछले वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था ऑयल, नहीं ये ऑयल नहीं है. सो तो और सोचिए, और उसके लिए एक बहुत ही बड़ा, लाइक 95% रिवील करने के लिए एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या लगता है, क्या है वो मैजिक इंग्रेडिएंट. सो लेट्स वॉच दैट वीडियो एंड तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का. तब तक कीप क्रिएटिंग एंड स्टे हेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलना नहीं है बिल्कुल. और तो आप ये वीडियो देखिए और फिर मुझे बताइए क्या है वो मैजिक इंग्रेडिएंट. आपको समझ में आ गया होगा मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए. मैं अभी अपने मुंह से बोल के नहीं बता रही, नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं और रिवील करूंगी कि एग्जैक्टली क्या है और ये कैसे काम करता है. इसके पीछे की हम थोड़ी सी लॉजिक समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये क्यों काम करता है और कैसे करता है. तो तब तक कुछ ना कुछ करते रहिए, बनाते रहिए, जैसा कि मैं कहती हूँ, स्टे हेल्दी, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.